व्यक्ति द्वारा पैसे छीन लिए गए। इस बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे इस संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा छीन लिए गए। महिलाएं सीधे आरोप लगा रही हैं, महिलाओं का चैन खींचने का भी प्रयास इसके द्वारा किया गया है। इस व्यक्ति से सावधान रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ जो है यादव जी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होते होते रह गई है। या आप ये कहिए कि जो हम किसी फिल्म में देखते थे लूटपाट, जी हाँ लूटपाट, आपने बिल्कुल सही सुने हैं, लूटपाट जो किसी गाड़ी पर जा रहे हैं और अचानक मिली भगत के चलते किस तरह से लूटपाट होता है, ये हमने देखे थे। आज रूबरू होके इस पूरे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक ऑटो वाले ने किस चालाकी के साथ भरे सड़क में किस तरह से लूटपाट किए हैं। जी भैया जी, अपना परिचय बताएंगे। जयप्रकाश यादव जी, मैं भिलाई निवासी हूँ। जी यादव जी, क्या हुआ था? ये घटना है 15 जून की जी। शाम 5 बजे के लगभग पुलिस बटालियन पेट्रोल पंप है जो जी यही सेफ लाइन जी, अच्छा, जी। दुर्ग से जब हम आ रहे थे भिलाई की तरफ, तो हमने देखा कि कुछ महिलाएं जो हैं और एक युवक के साथ में लड़ाई झगड़ा जैसा आवाजें आ रही थी जी। और वो ऑटो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, टकमगा रहा था। पीछे हमारी गाड़ी थी, हमने पूछा उनसे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? तो उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पर्स छीनने की, पैसा छीनने की कोशिश की गई है, चेन खींचने की कोशिश की गई है। और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति सवार थे जो कि भगवा रंग के गमछा भी लगाए हुए हैं, जो चश्मा लगाए हुए हैं, उनके पैसे को छीन लिया गया था। और ऑटो जो चलाने वाला जो ऑटो चालक था वो हमें इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, कोई समस्या नहीं है। पर जो यात्री थे वो बहुत विचलित थे, परेशान थे। हमने रोककर पूछताछ की और वहाँ पे रास्ते से कुछ पुलिस वाले गुजर रहे थे, उनको रुकवाया गया, वो भी आए पूछताछ की। सब पता ये चला वहाँ कि वो व्यक्ति जो है उसने चेन खींचने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, पैसा चोरी कर लिया था, ये वहाँ पर हुआ था। ये ऑटो में कौन कौन बैठे थे? ऑटो में चार से पांच महिलाएं थी जी। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जी। और एक और युवा थे, और वो एक जो व्यक्ति जो संदिग्ध है, जो आरोपी है, वो था। और उसका हुलिया जो है वो दाढ़ी लगाए हुआ था, दाढ़ी वाला था। और जो चालक था उसका नाम बता सकते हैं आप? जानते हैं उसको? हमने जब ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो वीडियो बहुत सारे लोग वहां बनाने लगे थे। तो जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो कुछ लोगों के फोन आए और पता हमने जब किया तो पता ये चला कि मुकीमुद्दीन उर्फ मुकीम, पिता हकीमुद्दीन, ये उस व्यक्ति का नाम है। कहाँ के रहवासी हैं? फरीदनगर का वो रहने वाला है। फरीदनगर भिलाई जी, जी जी जी। और उस वह निगरानी बदमाश है सुपेला थाने का, और पहले भी उसके खिलाफ 15 से 20 जो है प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। छेड़छाड़ का भी मामला उसके ऊपर पहले दर्ज हो चुका है और उस कुछ मामलों में वो जेल काट के आ चुका है। तो निगरानी बदमाश इस तरह से खुला घूम रहा है। और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि उसने जब हमने पुलिस के हवाले उसको किया तो पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, उस बीच वो भाग गया वहां से, और उसको भगाने में पूरा ऑटो ड्राइवर का हाथ था। तो और मतलब अभी खुला घूम रहा है आज भी। और मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं, क्योंकि हम सबका परिवार जो है वो रोज यात्रा करता है ऑटो में, और अगर ऐसे लोग जो है खुले घूमेंगे तो किसी का भी परिवार सुरक्षित नहीं है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ के सबसे वीआईपी जिले में हमारा दुर्ग जिला शुमार है, क्योंकि यहाँ से 4-5 मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सबका जो है स्थानीय जिला है। तो जब इस जिले के मेन रोड में दुर्ग पहुंच रोड में, भिलाई से जब दुर्ग जाते हैं और दुर्ग से भिलाई जाते हैं, ऐसे अप्रोच रोड में जी, जब मेन रोड में ये स्थिति है जी, तो छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों की हम बात ही क्या करें जी। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार जो है अपराधी खुले घूम रहे हैं।
आपको शक कब हुआ? जब मतलब एक ड्राइवर बोल रहा था कि आप जाइए आगे, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, हम सब सुरक्षित है, तो आपको क्या लगा कि आपने गाड़ी रोका? महिला ने जब कहा ना कि हमारा पैसा छीन रहा है, चलती गाड़ी में बोली, हाँ जब हमने गाड़ी रोकी, उनकी गाड़ी जो है वो स्लो थी क्योंकि वहां पे झुमा झटकी चल रही थी और वो व्यक्ति लटका हुआ था, हमारी तरफ उसका पीठ था और उसका आधा पीठ बाहर निकला हुआ था, तो थोड़ा अलग जैसा वहां पे कुछ वातावरण दिख रहा था, महिला मतलब देखने से संदिग्ध टाइप में महसूस, महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। अच्छा, तो जो गाड़ी में बैठी थी, ऑटो में जो बैठी जो यात्री थी, वो चिल्ला रही थी। और इस प्रकार की वारदातें पहले भी हुई हैं जहां पर ऑटो चालक और जो आरोपी है दोनों मिले हुए होते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहले भी कुछ लोगों के फोन, जैसे मेरे ही वार्ड में जहाँ यहाँ से मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने मुझे फोन करके जानकारी दी, व्हाट्सएप में लिख के भेजा कि मेरे परिवार के साथ भी यही हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। और यादव जी ये घटना जो है 2 दिन पहले की है, तो आज आप इतना लेट से, मतलब अभी तक क्या इसमें आपने एक्शन लिया, क्या इसको पहली बात तो ये है कि हमने चूंकि पुलिस को वहां पर सौंप दिया था उन्हें और वो बातचीत के दौरान वो भाग गया, तो पता कर रहे थे कि कौन है इस, तो पता करने में हमें 1 दिन लग गया कौन है व्यक्ति, क्या है। और उसके बाद जब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या वो वीडियो आपके द्वारा बनाया गया है? एक्चुअल में वहां जो लोग थे और भी जो लोग थे वो सब उसको शूट कर रहे थे, तो वो आम लोगों के द्वारा जो है वो वीडियो जो है बनाया गया है। अभी आप क्या करने वाले हैं इस पर, किस तरह से एक्शन लेने वाले हैं? हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में एक लिखित शिकायत करके इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या लगता है कार्रवाई होगी? हाँ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि आप बताए कि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह से वारदात हो गई और आप बता रहे हैं 15-17 ऑलरेडी उसके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं, उसके बावजूद वो व्यक्ति खुला घूम रहा है, ऐसे में आप प्रशासन वो निगरानी बदमाश है और वो अगर बाहर है तो आम जनता सुरक्षित नहीं है। यह विषय जब हम उनके समक्ष लाएंगे, यदि वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आगे आंदोलन का रास्ता हम अख्तियार करेंगे। जी, अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम भूपेश द्विवेदी है, मैं भारतीय जनता सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। और मेरा एक यही आग्रह था भिलाई की जनता से कि जिस रूट में या जिस जगह में भी वो चल रहे हैं, वो जो जैसे कुछ टेम्पो चलाने वाले होते हैं जो दारू पी के चलते हैं, उसमें उनकी जान की और उनके सब बाल बच्चे होते हैं, उन सबको सोच के चलना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों ने जो कल देखा, हम लोगों के सामने में जो चीज हुआ, उस चीज को हम लोगों ने महसूस किया और महसूस इस रूप में किया कि इसमें कहीं हमारा परिवार होता तो उसके साथ भी ये दुर्घटना गलत रूप से हो सकती थी। तो जिसको मैं देख कर ये बोलना चाहता हूँ दुर्ग पुलिस अधीक्षक जी को कि इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। आप लोग कितने लोग थे, मतलब जो ऑटो के पीछे थे तो आप लोग कितने सवार थे? हम लोग अपनी गाड़ी से दुर्ग से भिलाई की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिस समय हम लोग अपने गाड़ी पे 5 लोग थे और 5 लोगों के हम सबसे पहले मुझे ही दिखा, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे दिखा कि उस टेम्पो में कुछ हो रहा है, तो उस समय मैंने अपने भैया से बताया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, ये लड़का हाथापाई कर रहा है, लेडीजों से झगड़ा कर रहा है। तो भैया ने बोला क्या हुआ, भैया ने कांच खोल के पूछा लेडीजों से कि ये क्या हो रहा है, तो लेडीज लोग ने बोला कि पहले टेम्पो ने हमको बोला कि कुछ नहीं हो रहा भैया आप जाइए, हम लोगों ने गाड़ी का 2 बार हुटर मारा कि उसको कुछ गलत कर रहा हो तो वो हटे उस जगह से, तो उस जगह से भी हटा, उस जगह में वो व्यक्ति दारू पी कर आया था और टेम्पो वाले का पूरा समर्थन था उसके ऊपर कि तू कर अपने। महिलाएं क्या बोलती, महिलाओं का ये कहना था डायरेक्ट कि हमारा पर्स छीन रहे हैं, हमारा चैन छीन रहे हैं, हमसे हमारे बाजू में जो अंकल बैठे उनके जेब से पैसा निकाल लिए, वो 200-300 रुपए दिए तो उसमें से भी वो पूरा पैसा रख लिया, 50 रुपए वापस किया, तो बुजुर्ग से हाथापाई कर रहा था, बुजुर्ग को मारने की कोशिश किया, उतने में हम लोगों ने रोका उसको और जैसे रोका बीच रोड पे रोका तो जनता के एकत्रीकरण चालू हुई और एकत्रीकरण जैसे चालू हुई तो वहां 1-2 पुलिस के स्टाफ पहुंच गए, पुलिस के स्टाफ पहुंचे उनको बोले कि आप साइड आइए गाड़ी में, गाड़ी में जब वो बैठे तो ऑटो चालक ने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि तुम यहां से उतर के दूसरे ऑटो में बैठ के यहां से निकल जाइए, तो हम लोग के सामने में प्रथम स्तर पर वो दूसरे ऑटो पे बैठा और उसको दूसरा ऑटो वाला लेके चला गया। तो इससे हमको ये समझ आता है कि छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग जिला पर ये हो रहा है कि जितने भी टेम्पो चालक है उनके ऊपर एक तो सख्त से सख्त उनके ऊपर जांच हो और सब लोगों से एक अपील है मेरी कि सब लोग सुरक्षा और सेवा सब कुछ अपने देख के चले, जिसमें बाद में कोई प्रशासन के ऊपर बात ना रखे। ये लगभग कितने समय की बात है? ये समय लगभग कुछ 5 बजे के शाम की बात थी। शाम 5 बजे? जी 5 बजे की बात थी शाम के।
जिसमें हम लोगों ने सामने सब चीज को दर्शाया लोगों को, और ये कल शाम परसों शाम का ये वीडियो है और कल के डेट में वीडियो वायरल हुआ है मीडिया पर, कल के डेट में वायरल अगर ये वीडियो हुआ है तो फिर आपको कैसे लगा कि मतलब यहाँ पर कुछ संदिग्ध देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वाकई में प्रताड़ित है और ऑटो के अंदर में है, और आपको ये कब लगा कि वहां पर जो बैठने वाली महिलाएं चिल्ला रही है और ऑटो चालक जो बोल रहा है जाइए जाइए सब ठीक हो रहा है, तो आपको कैसे लगा कि नहीं जो पीछे बैठी महिलाएं उनके साथ गलत हो सकता है? मुझे ये हुआ कि जब मैं पहुंचा उस रास्ते पर, उस जब सामने मेरे प्रथम स्तर पर टेम्पो चल रही थी, तो उस समय मैंने देखा कि वो टेम्पो में एक व्यक्ति चढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति वो टेम्पो पे चढ़ रहा है बैठने के लिए। उस समय मैंने एक बार टेम्पो वाले के पीछे में हॉर्न मारा, जब हॉर्न मारा तो देखा, जब टेम्पो से साइड में हमने गाड़ी ली तो देखा वो बुजुर्ग से हाथापाई कर रहा है, और हमने देखा कि वो पैसे को पकड़कर हाथापाई कर रहा है, तो हम लोग को लगा कि कुछ ऑटो का इनका लेना देना होगा तो उसमें कर रहे होंगे ये, मगर बाद में ये पता लगा कि ये इस बुजुर्ग के साथ में हाथापाई कर रहे हैं, और किस चीज को लेकर, कि 10-20 रुपए की बात थी उसको लेकर इसने बुजुर्ग से हाथापाई किया और लेडीज लोग को हाथ से कोहनी से अपने मारने की कोशिश की कि उसको कोई पकड़ ना पाया। जिस समय हम लोगों ने रोका तो वो प्रेजेंट उस समय वही था, उसके बाद ने उसको ऑटो चालक ने उसको भगा दिया वहां से कि तुम यहां से निकलिए मैं फंस जाऊंगा। ऑटो चालक ने बोला कि मेरी गाड़ी का ना फोटो ना वीडियो कुछ अपलोड मत करिएगा आप लोग। किसने कहा है? ऑटो चालक ने स्वयं कहा हम लोगों से, ऑटो चालक ने, तो ऑटो चालक ही तो उसको भगा रहा था जी, या जब उसके अंदर लूट मतलब लूटपाट हो रहा था ऑटो के अंदर, तब तो वो गाड़ी चला रहा था धीरे धीरे जी, वो क्या आप आराम से लूट सको, उस समय आप लूट सके और भाग सके उस जगह, आप जानते हो कौन है जो लूटपाट कर रहे थे? नहीं, उसको तो उस समय मैं नहीं जानता था, जिस अनुसार मुझे बड़े भैया का मार्गदर्शन मिला मुझे अपने कि बताया गया, वीडियो वायरल हुआ तब लोगों ने कमेंट्स किए जी, कमेंट किए व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम के थ्रू ये वीडियो वायरल हुआ कि वो व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा है कि ये व्यक्ति, इसके ऊपर पुराने भी कुछ केस चल रहे हैं, जिसके में पुराने में भी इसके चोरी के कुछ केस हैं, पुराने में मर्डर के कुछ केस हैं, इसके ऐसे कुछ बहुत सारे केस चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें दुर्ग पुलिस का कोई एक्शन ना है, जिसमें आपसे दुर्ग पुलिस से मेरा सामने से निवेदन आग्रह है कि दुर्ग पुलिस इस कार्यवाही को जल्द से जल्द करके इस आरोपी को सामने रखकर मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करके मीडिया को सामने सबको प्रभावित करे इस चीज से। अभी आपने देखा है जिस तरह से ऑटो में बैठ के ऑटो चालक के दिमाग से कैसे मतलब वहां पर जो चोरी चोर जो उनको साथ मिल रहा था कैसे लूटपाट महिलाओं के साथ कर रहे थे, एक ऑटो में चलती हुई ऑटो में इस तरह का लूटपाट होना, यानी कि ऑटो चालक का इसमें तो स्पष्ट समझ आता है कि ऑटो जो चलाने वाला है उसकी सहमति पूरी तरह से प्राप्त थी। अब समझने वाली बात यह है कि दिन के 5 बजे शाम को 5 बजे अगर ये घटना दुर्ग भिलाई के बीच में अगर हो रहा है तो वाकई में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि प्रशासन का खौफ जो दुर्ग भिलाई में वो खत्म हो चुका है। जैसे यादव जी ने बताया कि दुर्ग जो है, दुर्ग जिला जो है वीवीआईपी जिला है, और ऐसे में इस तरह से कृत होना यानी कि प्रशासन के प्रति से लोगों का चोर का जो है खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी यादव जी ने और द्विवेदी जी ने बताया कि परसों रात को हुआ क्या था, किस तरह से शाम को, और ये वीडियो वायरल होने के बाद वो जो कृत करने वाले जो चोर है या वो जो ऑटो चालक है, ऑटो चालक के जो नंबर भी सारे चीज ट्रेस हो चुका है कि वो कौन है क्या है। अब देखना ही है कि पूरे प्रकरण में किस तरह से कानून प्रणाली अपना कार्य करती है और कानून के शिकंजे में वो जो आरोपी है कब तक आते हैं। और एक बात बहुत जरूरी है जो आपको अपने घर परिवार के लिए समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर जाता है तो उनको लगता है कि सुविधा आसानी होती है, हम अगर कहीं जा रहे हैं तो ऑटो को किराए से कर लिया जाए, लेकिन अब आप सावधान रह सकते हैं, भरे दुर्ग जिला शहर में इस तरह से वारदात हो रहा है, तो आप जब भी ऑटो में बैठे थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता आप जरूर रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।